नमस्कार, राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। गर्मी को आंशिक रूप से विदा करते हुए आषाढ़ के दिन आ ही गए। सावन भी कुछ दूरी पर दस्तक दे रहा है। प्रकृति का शबाब भी हौले हौले अंगड़ाई लेता हुआ महसूस किया जा सकता है। लेकिन काव्यात्मक अभिव्यक्तियों के परे यथार्थ भरी जमीन भी है और आसमां भी। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के वृहद परिप्रेक्ष्य में कुछ स्थान बौछारों से बेजार हैं, तो कई जगहों पर इन्हीं फुहारों का इंतजार है। विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जाए, सेलिब्रेट किया जाए या उससे कुछ सबक लिए जाएं, ये है मूलभूत प्रश्न। छोड़िए, सिल्वर लाइनिंग ये है कि हमारे बहुरंगी देश में ये समय होता है कुछ अहम त्योहारों की तैयारियों का। गुरु पूर्णिमा, अमरनाथ यात्रा, पुरी रथ यात्रा, पंढरपुर यात्रा, बुनालू, चंपाकुलम नौकायन स्पर्धा और हिमिस उत्सव कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मन में अपार श्रद्धा और उल्लास का संचार करते हैं। और जिह्वा को ललचाने वाला इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल तो युवाओं और बच्चों के लिए एक खास स्वादिष्ट संदेश लेकर आता है। विभिन्न अंचलों के दुर्लभ आमों के बारे में जानना, उसका रसास्वादन करना एक तरह से अपने देश को ही बेहतर जानने के बराबर है। सुनते रहिए देश की विराट संस्कृति के भिन्न भिन्न पहलुओं को टटोलने का ये प्रयास, आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती। आमों का जिक्र होते ही अक्सर अवध के अमराइयों का चित्र उभरने लगता है। रंगकर्मी प्रोफेसर दानिश इकबाल तो कहते हैं, अवध का नाम आते ही कई चीजें याद आ जाती हैं, जैसे कि चैती याद आ जाती है, जैसे कि कजरी याद आ जाती है, वहां के लोगों की मिठास याद आ जाती है। और जब ये बातें याद आती हैं तो अपने ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग की बात मुझे याद आती है, जो कहा करते थे कि अवध वालों के मिजाज की जो शीरीनी है, जो मिठास है, उनकी बातचीत को जो मिठास है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आमों का है। वो कहा करते थे कि जब भी आप आम देखें, अच्छे आम देखें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मुस्कुराना ना शुरू कर दें। तो आम खाने से पहले और आम खाने के बाद मुस्कुराना ज़रूरी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बाज़ौक इंसान हो, आपके अंदर टेस्ट हो और आम को देखते ही आप मुस्कुराना ना शुरू कर दें। तो मैं समझता हूँ कि अवध की कहानी बगैर आम की कहानी के मुकम्मल नहीं हो सकती। कुछ लोगों का ये भी कहना हुआ करता था हमारे बचपन में कि ये जो गर्मी का मौसम आता है, इसकी शिद्दत होती है और लू चलती है, तो इसका एक ही सहारा है इसे गुजारने का कि आप अपने को समझाते रहें कि गर्मी इसलिए आती है क्योंकि गर्मी हमारे लिए आम लेके आती है। तो सैकड़ों ऐसी मीठी कहानियां हैं अवध के आमों की और अवध के लोगों की और अवध के नवाबों की, पुराने लोगों की, जो बहुत मीठी हैं, जो आम से ज़्यादा मीठी हैं, और कभी फुर्सत हो तो उन बातों को हमें दोहराना चाहिए। आमों के बिना इन दिनों रहा नहीं जाता, है ना? चलते हैं अवध। आम अवध। उत्तर प्रदेश के जिस इलाके को अवध के नाम से जाना जाता है, वो मुगल कालीन भारत से लेकर आज तक अपनी जबान, तहजीब और अदब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का खान पान भी इसकी तहजीब का एक अहम हिस्सा है। ऐसे में अगर अवध के केंद्र लखनऊ के करीब के क्षेत्रों में बड़ी तादाद में आमों की पैदावार होती हो, तो मुमकिन नहीं कि फलों का राजा आम अवध की तहजीब और अदब का हिस्सा न बने। लखनऊ जिले में ही है मलिहाबाद तहसील, जो दुनिया में दो चीजों के लिए बहुत मशहूर है। एक,
मलिहाबाद के दशहरी आम और दूसरे उर्दू के बड़े शायर जोश मलिहाबादी। जोश साहब को आमों से बड़ी मोहब्बत थी और उन्होंने आमों पर न केवल शायरी की बल्कि आमों की नर्सरी भी लगाई। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं मलिहाबाद के निवासी और शायर असमत मलिहाबादी। 1918 में जोश साहब ने मलिहाबाद में एक नर्सरी कायम की थी, जिसमें उन्होंने कलमी आम की नर्सरी तैयार की और उस पर कलम बनाकर फरोख्त करते थे, जिनमें अव्वलियत दशहरी और सफेदे को हासिल थी। तो उन्होंने दशहरी पर एक नज्म कही और एक सफेदे पर कही कि तमाम आमों में यकता है सफेदा, तमाम आमों में यकता है सफेदा, बयाजे सुबह गोया है सफेदा, सफेदा फल हमारी मेहनतों का, हमारे खून का सींचा सफेदा, भरे हैं जिसमें शीरीनी के मोती, वो एक कूजे में है दरिया सफेदा, बहुत मुमताज है अहले नजर में हमारी आँख का तारा सफेदा। फिर उनकी दूसरी नज्म है जो उन्होंने दशहरी की शान में कही है, इसके हर रेशे में जुए शीर है, क्यों न हो जाए कलम शीरी बयां, कहते हैं माशूक से अहले मजाक, जर्द रंगत है बरंगे आशिकां, कहती हैं रंगीनिये फितरत का हाल, जिल्द पर दौड़ी हुई रंगीनियां। जोश मलिहाबादी के अलावा मलिहाबाद के ही एक और शायर माइल मलिहाबादी ने भी आमों पर एक खूबसूरत नज्म कही है। आम ही में नहीं माहौल में है इतरे गुलाब, पीने वालों को यहाँ तश्त में मिलती है शराब, पत्ते पत्ते से टपकता है बरसता है शबाब, और कहीं दूर से आती है चिकारे की सदा, आम के बाग में आ, आम के बाग में आ। फिर इसमें एक बंद है कि आजकल गम है बहुत और मिटाता है ये गम, आम मिल जाएं ज्यादा तो गम हो जाएंगे कम, सेबो अंगूर तो जन्नत में मिलेंगे हमदम, आम खाना है तो जितने मिले दुनिया ही में खा, आम के बाग में आ, आम के बाग में आ। आमों के मौसम में अवध के गांवों और शहरों में एक अलग ही नजारा होता है। गांव में जहां लोग आम के बागों में इकट्ठे होकर आम खाने का लुत्फ लेते हैं, वहीं शहरों में कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो आम की दावत के साथ दावते सुखन भी आयोजित करती हैं। लखनऊ की संस्था अंजुमन तरक्की उर्दू पिछले 38 वर्षों से आम और गालिब के नाम से ऐसी ही एक गोष्ठी लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में प्रतिवर्ष आयोजित कर रही है। देखिए, किसी प्रोग्राम का आगाज करना तो आसान है, मगर इतने अरसे तक उसे पाए तकमील तक पहुंचाना और जारी रखना बड़े दिल गुर्दे का काम है, और ये काम वही कर सकता है जो इससे सच्ची मोहब्बत रखता है, उसका सच्चा आशिक है। आज की महफिल हजरत मिर्ज़ा गालिब से मंसूब है। मैं बगैर किसी तामुल के कह सकता हूँ कि इस रुए ज़मीन पर अगर बहिश्त का कोई समर है, जन्नत का कोई फल है, तो वो आम है, आम है, आम है। हजरत ग्रामीण तंशेर पेश कर रहा हूँ कि चौधरी के घर में आज आम खाइए, चौधरी के घर में आज आम खाइए, उसके साथ जो है तामझाम खाइए, चौधरी के घर में आज आम खाइए, उसके साथ जो है तामझाम खाइए, और कुछ ज्यादा इनमें पाएंगे मिठास आप, करके फसल आम को सलाम खाइए, करके फसल आम को सलाम खाइए, कि गालिब और मीर को बहुत पसंद आम थे, आप भी अदब के हैं इमाम खाइए। और हम तो आम देखने की हद में कैद हैं, मगर आपके लिए है एहतमाम खाइए। आम और गालिब, इस गोष्ठी के संस्थापक चौधरी शरफुद्दीन साहब से हमने बातचीत की, जिनके घर पर ही पिछले 38 साल से ये गोष्ठी आयोजित की जा रही है। देखिए, पहले हम दो चार दोस्त दाव की आम करते थे आपस में बैठ के, फिर ये तय हुआ कि हम लोग इसको एक अदबी तरह से इसको पेश कर रहे हैं। तो ये 1980 में जब पाकिस्तान से आबिद साहब एक आए थे,
उनको दावत दी हमने आने की, वो पहली बार तो हुआ ऐसा। वाली आशीर उनको इंट्रोड्यूस किया, हमसे किया, यहाँ आए, उन्होंने देखा उनका पाकिस्तान के अंदर ऐसी डिशेज होती नहीं है मगारिब की, जो आप यहाँ पर किए, उनको बहुत पसंद आई। तो 1980 से मैं शुरू कर रहा हूँ उस बात को। शायर भी आते हैं। अब देखिए, एक लेडी पुणे से आई है, अखबार पढ़ती थी आम्र गालिब पे, मेरे शहर भर के लोग आए हुए हैं और यूपी भर के लक्षित लोग आए हुए हैं, बुलंदशहर के भी हैं, मेरठ के भी हैं, वहाँ के भी हैं, गाज़ियाबाद के भी हैं, कानपुर के हैं, लोग बैठे हुए हैं सब, तब हो रहे हैं और खाने का प्रोग्राम भी होता है। तो ये शौक पैदा होता है बच्चों में। शायद फलों में आम को ही ये रुतबा हासिल है कि न केवल आम और खास इसको खाकर लुत्फ उठाते हैं, बल्कि कुछ विद्वान और शायर इसको साहित्य के केंद्र में भी ले आते हैं। संस्कृति भारती के लिए लखनऊ से मैं प्रतुल जोशी। कुछ जायका बदला जाए, ये मौसम और मन में मल्हार, बारिश और राजस्थान, ऐसी जोड़ी, ऐसा मेल अन्य दिशाओं में मिलना मुश्किल है। और पारंपरिक संगीत पर इसका प्रभाव सुनते हैं फुहारे म्हारे देसरे। तपती धरती पर साएं साएं करती हवाएं अपना रौद्र रूप धारण करती हैं, आंधियां चलती हैं, संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश धूल का गुबार सा लगता है। इन्हीं आंधियों के बीच उम्मीद जगती है अच्छे जमाने की, अच्छी फसल की, अच्छी बरसात की। सूरज तेज सू तेज आड़ बोले अनिया की, मही माट गड़ जाए पवन फिर बैठे छाड़ी, कीड़ी मेले ईड़ चिड़ी रेत में नावे, कासी कामन दौड़ अब लाल रंग लावे। जब सूर्य का प्रचंड तेज, बतख का चिल्लाना, घी का पिघलना, हवा की ओर पीठ देकर बकरी का बैठना, चिड़ियों का धूल में नहाना, मेंढक का बाढ़ में घुस जाने जैसे लक्षण दिखते हैं, तो समझो अच्छी बरसात होने की पूरी संभावना है। जब सूरज का तेज अपने चरम पर होता है तो पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, गौरी का जी भी कुम्हलाता है। ऐसे में आसमान में कोई बादल नजर आता है तो नायिका के मुख से बरबस ही निकलता है। बरसे क्यों ना ये बिजली चमके, क्यों ना ये मारा भंवर सारा हवा महल में चंपो सूखे ये बादली बरसे। धीरे धीरे यही गुहार सुनी जाती है और बादल घिरने लगते हैं। पूर्वा ऊपर पछवा फिरे, घर बैठी पणिहारी भरे। उत्तर पश्चिमी दिशा यानी वायव्य कोण से आती हवा, तो समझो बरसात बस आ ही गई। सावन का संकेत होता है तीज त्योहारों की वापसी। आयो आयो सावन मास, आयो सावन मास, सुरंगो मन डोलर घालो। सहेलुम्हारी आयो आयो सावन मास, ओ मास मास।
सावन की सुरंगी रुत, मोर पपीहों का नाचगान, धरती की हरी ओढ़नी और फसल की बिजाई का मौसम। जी हाँ, राजस्थान में बाजरी और ज्वार की प्रमुख फसल की बुआई। जब बाजरी उगने लगती है तो इसे देख किसान की खुशी का ठिकाना लगाना सहज होता है। और नायिका गाती है, उगण लागी बाजरी न भरी, उगण लागी बाजरी न भरी, उगण लगी न जवार बनी सा, मोरिया न जतर जो मजो बरसाती पानी केवल फसल के लिए ही नहीं बल्कि रेगिस्तान में पालर पानी पूरे साल पीने के लिए भी इकट्ठा किया जाता है घर घर में कुंड बनाकर। बादली रानी आई निर्मल पालर पानी लाई, निर्मल पालर पानी लाई, निर्मल पालर पानी लाई, आज बादली रानी आई निर्मल पालर पानी लाई, निर्मल पालर पानी लाई, निर्मल पालर पानी लाई। राजस्थानी साहित्य में 12 महीनों में होने वाली बरसात के भी अलग अलग नाम हैं। बता रहे हैं प्रोफेसर भंवर सिंह सामोर। चैत चढ़पड़ो तो सावन निर्मलो, चैत के बाद बैसाख की वर्षा गढ़ोती हो कहते हैं, इसी प्रकार से जेठ की वर्षा वो झपटा कहलाती है, असाढ़ की वर्षा है वो सर्वांत कहलाती है, सावन में लोर, भादवे में झड़ी, आशोज में मोती को कहते हैं आशोज की वर्षा को, कार्तिक की वर्षा को कटक कहते हैं, मिंगसर की वर्षा को फांसलो कहते हैं, पो की वर्षा को पावट कहते हैं और माघ की वर्षा को माउट कहते हैं, फागण में फटकारो। सावन बरसात लेकर आता है, खुशियां लाता है, फसलें लहलहाती हैं, तो वहीं पर विरहने के लिए बहुत भारी पड़ता है। झिरमिर झिरमिर बरसता मेह और अकेली नायिका। सावन में जहाँ शिव का श्रृंगार पूजा अर्चना की जाती है तो वहीं पर डिगीपुरी के राजा नाव में सवारी करते हैं। सावन मेरे सावन में, सावन मेरे सावन में, सावन में सावन में सावन में झूला झूले मारा डिगीपुरी का राजा, सावन में झूला झूले मारा डिगीपुरी का राजा, डिगीपुरी का राजा मारा डिगीपुरी का राजा, डिगीपुरी का राजा मारा डिगीपुरी का राजा, बाजे छे ओरे बाजे छे नावा मेरे नावा में, नावा में नावा में। जब झूलों की बात चली ही है तो जयपुर की तीज की सवारी को कैसे भूला जा सकता है। तीज की शाही सवारी जिस शानो शौकत से निकलती है देशी विदेशी सैलानी भी देखते रह जाते हैं। इस तरह से पावस ऋतु का जहां श्रृंगारिक महत्व है वहीं पर राजस्थान में पेयजल फसल और सांस्कृतिक महत्व है। दिन में गर्मी रात में ओस, बिरखा जापूगी सो कोस। जी हां, दिन में गर्मी और रात में ओस की बूंदें दिखने लगी तो समझो बरसात जा चुकी है, लेकिन सावन में जो खुमार छाता है वो अद्भुत होता है। बस मन यही कहता रहता है, सावन का महीना में इंदर सांकड़ो गाजे, सावन का महीना में इंदर सांकड़ो गाजे, हमारा 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 मारा छेल भवर का, भवर का छेल भवर का अलगो जाके तमे बाजे, हमारा छेल भवर का अलगो जाके तमे बाजे, खेता में बाजे रे मेला में बाजे, मारा छेल भवर का, भवर का छेल भवर का अलगो जा खेता में बाजे।
फुहारे मारे देश री। आलेख योगेश कानवा, स्वर राजकुमारी करनानी और योगेश कानवा, सुनील दत्त यादव की प्रस्तुति हमें आकाशवाणी जयपुर से प्राप्त हुई। मोको तार ले रामा तार ले, मोको तार ले। हाल ही में सुविख्यात कीर्तनकार और शिक्षाविद प्रोफेसर गुरुनाम सिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संस्कृति भारती ने इन्हें स्टूडियो आमंत्रित किया। राग गुरुवाणी। भारतीय धर्मों में सिख धर्म का एक विशेष स्थान है और गुरु नानक देव जी ने इसकी स्थापना की, जिनका 550 साल इसी वर्ष हम सभी लोग मना रहे हैं। तो उन्होंने अपना जो संदेश था वो वाणी के जरिए सभी लोगों को अपना मैसेज जो है वो दिया, और जितनी उनकी वाणी है वो सारी वाणी उनकी रागों में निबद्ध है। और उनके साथ वो उन्होंने चार उदासियां की, अपने साथ उन भाई मर्दाना स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो रुबाब बजाते थे उनको अपने साथ में लिया और सारी वाणी को रागों में करके हमारे समक्ष रखा, और सभी गुरुओं ने अपनी वाणी को रागबद्ध किया। और आज हम श्री गुरु ग्रंथ साहब को गुरु के रूप में सिख धर्म में मान्यता देते हैं, और सारा श्री गुरु ग्रंथ साहब जो है उसकी कंपाइलेशन जो है म्यूजिकोलॉजिकल है, संगीतबद्ध है, और एक संगीत रचना के तौर पर उसको निबद्ध किया गया है। और गुरु साहबान ने इसकी खास जो कीर्तन करने की संगीतक मर्यादा है वो भी स्थापित की है, और जो दरबार साहब श्री हरिमंदर साहब है वो एक मॉडल, एक आदर्श आइडियल जगह है जहां से उसका प्रसारण और प्रचार हम देख रहे हैं। तो ऐसे सिख धर्म में शब्द और संगीत की एक परंपरा आज से 550 साल पहले गुरु नानक देव जी ने शुरू की, जो आज भी सिख धर्म में वैसे ही चल रही है, और उसके बिना सिख धर्म के किसी भी कार्य को हम कंसीव ही नहीं कर सकते। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भारतीय संगीत परंपराओं में गुरमत संगीत एक ऐसी विलक्षण पद्धति है जिसमें क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक दोनों का एक कॉम्बिनेशन किया गया है, और खास तौर पर गुरुओं ने रागों में खास साजों के साथ, जिनको हम तंती साज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, उनके साथ गाने का प्रावधान जो है सिख धर्म की कीर्तन परंपरा में किया गया है। और ऐसे एक ये विलक्षण संगीत परंपरा के तौर पर भारतीय संगीत में दृष्टिगोचर होती है। डॉक्टर साहब, ये तंती साजों वाली जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जो परंपरा थी, कितनी देर पहले श्री दरबार साहब में समाप्त हो गई थी? अगर हम इसको देखें तो 150 साल पहले इसका प्रचार जो था वो बंद हो चुका था। इससे पहले हमारे सिख धर्म में रबाब सरंदा था, उस दिलबरा के साथ कीर्तन किया जाता था, लेकिन हारमोनियम के प्रवेश से इन वाद्यों को और सीखने सिखाने का जो शिक्षण पद्धति थी वो भी समाप्त हो गई और बहुत कम लोग इसको इसका प्रयोग करने लगे। जब भी हम गुरमत संगीत की बात करते थे, सिख संगीत की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये आता था कि गुरु नानक देव जी के साथ जो मर्दाना जी थे वो रबाब प्ले किया करते थे, वो कहाँ गया, सरंदा आपका कहाँ गया, ताउस कहाँ गया, दिलरबा कहाँ गया। तो उसको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी था अगर गुरमत संगीत की हम अकादमिक स्थापति करना चाहते हैं, क्योंकि किसी सब्जेक्ट को अगर हम दूसरी संगीत परंपराओं के उसके कंपैरिजन में कोई मान्यता दिलवाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके सभी जो पक्ष हैं उनको अकादमिक तौर पर स्थापित किया जाए। उसलिए हमने इन साजों को रिवाइव किया, और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को खास तौर पर हमने विनती करके अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को ये साज सिखाए भी। पहले उन साजों पर रिसर्च करवाई, फिर उन साजों की जो प्लेइंग टेक्निक थी उसको बढ़ावा दिया, उसको शिक्षण पद्धति में शामिल किया, और फिर उन बच्चों को सिखाकर उनका प्रदर्शन किया, परफॉर्मेंस दी, और उसके बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हरिमंदर साहब में उस परंपरा को रिवाइव किया। डॉक्टर साहब, आपकी तो जो रिसर्च रही है PhD के, वो भी इसी विषय पर रही है? ऐसे है कि गुरु ग्रंथ साहब की जितनी भी वाणी है वो सारी उसका म्यूजिकोलॉजिकल कंपाइलेशन है, तो मैंने काम किया था म्यूजिकोलॉजिकल स्टडी ऑफ गुरु नानक वाणी, उसमें यही थीसिस था कि गुरबाणी जो है वो एक गायन कीर्तन के लिए, शब्द कीर्तन के लिए म्यूजिकोलॉजिकली कंपोज की गई है, और उसकी एक खास परंपरा थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है। तो उसको सामने रख के हमने सिद्धांतक तौर पर और क्रियात्मक तौर पर इस परंपरा को एस्टेब्लिश करने के लिए वो रिसर्च कार्य किया, और उसी के आधार पर जितने भी हमारे जो पंजाबी यूनिवर्सिटी में एलिमेंट्री से लेकर PhD तक के जो सिलेबस बने और जो डिफरेंट टॉपिक्स बने वो उसी के आधार पर आगे वो डेवलप हुए। हमारे जो टीचर थे प्रोफेसर तारा सिंह जी,
उनकी कृपा की बदौलत मेरे पिताजी वो भी इसी ट्रेडिशन से थे और हमारी फैमिली में मुझे और मेरे पिताजी भाई उत्तम सिंह जी को और डॉक्टर जगीर सिंह जी को सभी को पंजाब सरकार की तरफ से और इन डिफरेंट बॉडीज की तरफ से श्रोमणी रागी का पुरस्कार मिला। तो उन सभी का जो योगदान था वो मेरे माध्यम से आज सभी के समक्ष है और गुरमत संगीत की स्वतंत्र हस्ती अकादमिक तौर पर सिद्धांतिक और क्रियात्मक रूप में आपके सामने है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने इस पद्धति को एक नया स्वरूप दिया है और भारतीय संगीत परंपरा में इसको स्थापति मिली है, और आपने तो बहुत काम कर दिया कि गुरमत ज्ञान आप ऑनलाइन पर पंजाबी यूनिवर्सिटी के इस विभाग से दे रहे हैं, ऐसे ही आप ऑनलाइन गुरमत संगीत की लाइब्रेरी आपने बनाई हुई है। मैं देख रहा हूँ कि ये सारा जो आपने काम किया, इससे एक जो नई पीढ़ी है उसको एक तो हमारी परंपराओं का पता चलेगा और दूसरा उनके लिए रोजगार के भी मौके इससे बनेंगे। हाँ, प्लेसमेंट बहुत हुआ जब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हमने सिखाए। पहले तीन कीर्तनीय तीन रागी हुआ करते थे, उसके बाद वो यकायक जब दरबार साहब से इंप्लीमेंट होगा तो चार हो गए। तो उससे आप देखिए ना कि कितना सारी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर उनको प्लेसमेंट मिला। 2003 में हमने गुरमुख संगीत चेयर इस्टेब्लिश किया बीबी जसबीर कौर खालसा जी के साथ, 2005 में डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया और फिर ऑनलाइन लाइब्रेरी गुरमत संगीत भवन बनवाया। उस सभी से एक बहुत बड़े रोजगार का जो माध्यम था और गुरमत संगीत में जो नई पीढ़ी है उसका प्रवेश हुआ। और इस बात का श्रेय मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये काम करने का मौका दिया ताकि भारतीय संगीत की तुलना में हम गुरमत संगीत को अकादमिक तौर पर स्थापित करके नई पीढ़ी को इसमें शामिल करके प्लेसमेंट का एक नया जरिया जो है वो बढ़ा सकें। आप इसी तरह संगीत के क्षेत्र में कार्य करते रहें, का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। राग गुरुवाणी, जाने माने कीर्तनकार और शिक्षाविद प्रोफेसर गुरनाम सिंह के साथ बातचीत की अमरजीत वड़ाइच ने। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी पटियाला से प्राप्त हुई। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन 1927 में भारत में विधिवत रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई। देश की संस्कृति के संवाहक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी अपने श्रोताओं की सेवा में तत्पर है और रहेगी। पिछले दिनों हमारी सामूहिक अस्मिता से जुड़ी तीन हस्तियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। गोवा के स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी मोहन रानडे, प्रख्यात फोटोग्राफर D.N. चौधरी और कई पीढ़ियों के चहेते आकाशवाणी के अंग्रेजी समाचार वाचक बोरुन हालदार को विनम्र श्रद्धांजलि। समय का यह पड़ाव देश के सांस्कृतिक सामाजिक कैनवस को आकार देने वाली कुछ अहम विभूतियों की जीवन तिथियों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विदुषी गंगूबाई हंगल, अनिल बिस्वास, सुधीर फड़के, सैयद हैदर रजा और तैयब मेहता के अतुलनीय योगदान को संस्कृति भारती का नमन। मनोज माइंडकर और राजश्री त्रिवेदी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।